टर्मिनल को NSFUMBOZ लिखा जाता है, फिर बोल रहा टावर्स को XPUTSE लिखा जाता है, तो MATE मैक को क्या लिखा जाएगा आपका? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला आपका, टर्मिनल TERMINAL लिखा क्या जाए आपका, NSFUMBOZ। हम लोग लिख लेंगे टी कितना 20, कितना 5, 18, 13, 9, 14, 1, 12 हो गया, नीचे में 14, 19, 6, 21, 20, 13, 2, 15, 10। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैटर्न लग रहा है, यहाँ से ऐसे लग रहा है या तो यहाँ से ऐसे लग रहा है, आपका कैसे कैसे लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे इसमें ना ही सीधे लग रहा है आपको, देखिए 14 यहाँ पे कितना 20, काफी अंतर है आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, कहाँ पे कितना आपका 19 है। अब देखिए हम लोग यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ये मेरा 20 है, यहाँ पे क्या आपका 10, ये भी नहीं लग रहा आप लोगों को, तो क्या कीजिएगा, इस तरफ से नहीं लेगा, देखिए इधर क्या कीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में से ऐसे करके इसको काट दिए, 4 को इधर, 4 को इधर, हो गया मेरा पे। अब देखिए हम लोग 13 14 हो गया आपका, नीचे हम लोग प्लस 1 जगह नहीं है, हो गया। फिर देखिए आप लोग 20, अरे कितना 21, यहाँ से ये कितना प्लस 1, फिर देखिए यहाँ पे 5 1 6 प्लस 1, 18 1 19 प्लस 1 हो गया आपका। इस साइड हम लोग देखेंगे कितना है आपका 9 9 1 कितना प्लस 1, 12 1 13 कितना प्लस 1, फिर यहाँ पे देखेंगे 14 1 15 कितना प्लस 1, फिर हम लोग देखेंगे 1 और 2 कितना प्लस 1 हो गया आपका। इस टाइप से इसमें पैटर्न लग रहा आप लोग का, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या इस टाइप से इसको लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक ना। इसमें देखिए आप क्या बोल आपका TOWERS क्या मिला, XPUTSE कितना, एक्स पे कितना 24 16 21 20 19 5 19 18 5 23 15 कितना 20 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें ऐसे भी नहीं लेगा आपका, इसमें ऐसे भी नहीं लेगा आपका, क्या करते हैं इसको तीन भागों तोड़ देते, दो भाग में एक इधर हो गया मेरा पे, यहाँ से ये 20 1 21 23 1 24 और 15 1 सीधे सीधे चला आपका 5 1 पाँच के पाँच ही का पाँच का पाँच ही किया है ना, ठीक है इसको 5 का 5 कर दीजिए, 19 का 20 किया प्लस 1 और 18 का 19 इसको इसमें क्या किया है प्लस 1 किया, इसमें कोई भी नहीं किया आपका। अब हम लोग देखते हैं कि मैट को कैसे लिखा जाएगा आपका, एम ए टी है, इसको हम क्या करें बीच में से पहले फाड़ लेते हैं, क्या होगा आपका बी, यहाँ पे मेरा कितना 1, यहाँ पे कितना 13, यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे कितना 5, इधर आएगा कितना कितना आपका बी, यहाँ पे कितना 14 14 पे कितना एन, यहाँ पे देखिए हम लोग कितना 5 1 5 1 6 हो जाएगा आपका, 6 पे कितना एफ। अब हम लोग देखे थे वहाँ पे कि टी का क्या छोड़ा था आपका, टी का क्या छोड़ा था आपका, जैसे ही जैसे रखा टी का एक एम्बल हम बढ़ा देते हैं, कितना आपका 21 21 पे कितना यू, ये मेरा क्या था आपका आंसर। पियर को जी एफ डी एम लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, पियर को जी एफ एन डी एन लिखा जाता है, तो बोल रहा आपका रिप को क्या लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, आपको लग रहा है कि ये वाला पूरा का पूरा बटवा यही है,
है ना, इस टाइप का अगर लगेगा तो कुछ नहीं कर दो। जैसे पी के सामने क्या लगेगा आपका जी, एफ के सामने ई के सामने क्या एफ, ए के सामने क्या डी, आर के सामने क्या एल लगा देना। जैसे ना ई वाला वर्ड पूरा का पूरा इसमें है जो पूछ रहा उसमें जैसे जैसे कर देगा हम लोग। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेटवर्क पूछ रहा आप लोग का एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के। अब जो है जो पूछ रहा है हम लोग को क्या कंप्यूटर का सी ओ यू सी ओ एम पी ई यू टी ई। देखिए आप लोग ये वाला वर्ड ये वाला वर्ड बिल्कुल अलग है इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग हम लोग क्या करेगा आपका इन के सामने जे क्यू एन डब्ल्यू एस डी एम हो गया। पहले देख लीजिए अब देखिए यहाँ पे एन के एन कितना स्तंभ है 45 20 23 15 18 कितना 11 यहाँ पे कितना 10 17 14 23 कितना 19 4 30 ओके बना पे। अब हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, सीधे सीधे लगेगा आपका यहाँ पे कितना 14 यहाँ पे कितना 10 है, यहाँ से ऐसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 13 14 है आपका, यहाँ से ज़्यादा 11 कितना आपका, फिर देखेंगे हम लोग 18 17 एक ठीक है आपका 3 5 और 4 दिक्कत है इसमें नहीं। तो सीधे क्या करें हम लोग यहाँ पे यहाँ से ऐसे जाएगा आपका ये और यहाँ से ये ऐसा है आपका सब में क्या हो रहा आपका माइनस वन हो रहा कि प्लस वन हो रहा आपका माइनस लग रहा आपका माइनस यहाँ पे भी माइनस। अब हम लोग देखेंगे 18 में 17 से यहाँ पे कितना माइनस यहाँ कितना आपका माइनस फिर आपका कितना 15 यहाँ पे कितना 14 माइनस वन फिर 20 कितना 19 माइनस वन अब 23 सामने वालों क्या किया जैसे अब ऐसे कर दिया आपका इसमें ना ही प्लस वन ना ही प्लस जीरो जीरो का जीरो कर दिया आपका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेरा कितना 5 20 फिर कितना 15 16 फिर कितना 13 15 कितना 3 बीच में कौन है मेरा पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में कौन है सॉरी 21 है बीच में कोई है इसमें इसमें बीच में था आपका तो हम लोग देख लेते हैं क्या करना है जो तो बीच में जो आपका है तो बीच में दोनों बीच में आ रहा है आपका तीन इधर पी आ रहा आपका बीच में पी आ रहा आपका पे बीच में तो पी वाला हम क्या करेंगे सीधे सीधे लिख लेते हैं कितना 0 पे सी का यहाँ पे कितना लिखा है आपका 3 है तो कितना 2 ना कितना बी फिर देखिए यहाँ पे ओ का कितना 14 कितना एल फिर कितना आपका 12 है तो कितना आपका 11 पे कौन के फिर इधर हम लोग आएंगे 5 पे है कितना 4 डी फिर कितना 20 पे है 19 कितना एस 13 मतलब गया तो 12 तो 12 है ना 12 है यहाँ पे ना तो एल हो जाएगा आपका। फिर हम लोग देखेंगे कितना है 21 है आपका कितना 20 कितना टी क्या होगा मेरा आंसर डी एस टी पी एल एन बी हो गया आपका। फोर्थ में क्या बोल रहा आपका ईडीएट को बोल रहा आपका के एफ के क्यू बी 9 लिख लीजिएगा 9 4 9 15 20 11 6 11 कितना कब है 17 22 तो सीधे सीधे तो किस में जा रहा आपका प्लस कितना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो इसमें भी हम लोग क्या हो जाएगा आपका
जे जी ई एन आई यू एस जीनियस। जीनियस को क्या लिखेंगे हम? तो सात, ये मेरा सात पे है, तो सात में से दो, सात सात में दो करेंगे कितना आपका? नौ। नौ को क्या लिखते हैं हम लोग? आई। ई पाँच पे है, दो करेंगे कितना आपका? सात। कितना है आपका? जी फिर चौदह है, चौदह में दो करेंगे हम लोग कितना आपका? सिक्सटीन। पी हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आई में दो जोड़ेंगे कितना होगा आपका? के। यू में हम लोग दो जोड़ेंगे कितना होगा आपका? इक्कीस, बाईस, तेईस ना। डब्लू और एस में दो जोड़ेंगे कितना आपका? इक्कीस, उन्नीस, बीस, इक्कीस, कितना आपका? तो यू हो जाएगा आपका। ये मेरा क्या हो गया आपका आंसर? सीधे सीधे आसान तौर पहले पाँचवा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पाँचवा बोल रहा है आपका टीचर है आपका बी ए सी एच ई आर, फिर आपका है बी जी सी ई जे जी टी, सब में प्लस टू आ रहा है आपका, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, इसमें भी आपका प्लस टू हम लोग कर लेंगे। डी ई सीधे सीधे कर लीजिए रखना, टी टी यू भी हो गया ना। देखिए टाइम बचाने के लिए अब आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा, अगर बोलिए तो पीछे कर देते हैं क्या हमें? बी ठीक है, बीस है आपका, कितना? पाँच, एक, तीन, आठ, पाँच, अठारह, हो गया आपका। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे? बाईस, सात, तीन, पाँच, दस, सात, बीस। देखिए सीधे करेंगे कितना? प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, सब में क्या आ रहा आपका? प्लस टू हो गया और आपका। फिर हम लोग देखेंगे कितना निकालना हम लोग क्या है? डी ई यू डबल एल ए आर डी, कितना पे आपका? चार पे, इक्कीस पे, बारह पे, बारह पे, एक पे, अठारह पे, कितना? चार पे, इसमें दो जोड़िएगा कितना है आपका? छः। छः पे कौन आता आपका? एफ। दो जोड़िएगा तेईस, डब्लू दो जोड़िएगा कितना? फोर्टीन। फोर्टीन पे कितना? एन। फिर कितना? एन। फिर कितना? सी। फिर कितना? कितना? ट्वेंटी। टी ना। फिर कितना? एक। दम यही है स्पीड रखिएगा लीजिए बना देगा। तो ये जैसे मतलब यहां पर इसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ा आता है। देखिए यहां पे दम यही है स्पीड रखिएगा लीजिए बनाने के लिए। दम दिस थिंग आप फटाफट बनेगा। तो देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे ऊपर में ज्यादा है नीचे में ज्यादा है? नीचे में ज्यादा। तीर के निशान हम क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। ऊपर वाला हमसे क्या कर रहा है? जोड़ रहे हैं। कितने जोड़े? दो जोड़े हैं। इसमें भी हम ऊपर वाले में क्या करेंगे? दो जोड़ देंगे। कितना है आपका? छः। छः पे कितना? एक। फिर दो जोड़ेंगे इसमें कितना होगा आपका? तेईस। तेईस पे कौन? डब्ल्यू। फिर कितना? एन। फिर कितना? एन। फिर कितना? दो जोड़ेंगे तो सी। फिर कितना? बीस। बीस पे कौन? टी। फिर कौन? एफ। एफ पे कौन? एफ। ओके मेरा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? सिक्स। सिक्स में देख लीजिएगा क्या है आपका? विक्ट्री है आपका, वी आई सी टी ओ आर वाई। अब हम लोग देखेंगे इसका किया क्या है। तो क्या किया आपका? वाई एल एफ डब्लू आर यू और बी। अब चेक करके देखेंगे हम लोग, लिख करके पहले। बाईस, नौ, थ्री, बीस, पंद्रह, अठारह, पच्चीस, पच्चीस, बारह, छः, तेईस, अठारह, इक्कीस, फिर कितना? दो। अब हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे जाएगा आपका, नहीं जाएगा ये वाला तो आ रहा है लेकिन ये वाला नहीं हो रहा आपका। फिर देखते हैं ऐसे ऐसे सब में कितना कितना का गैप है आपका। तो ऊपर से हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस। फिर करें लेकिन तीर के निशानी हमेशा दीजिएगा, तो क्योंकि अगला बनाएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है आपका। कितना? फिर इसमें देखेंगे कितना? प्लस तीन। फिर कितना? प्लस तीन। फिर कितना? प्लस तीन। फिर कितना? प्लस तीन। सब में कितना है आपका? लेकिन इसमें क्या आया आपका? दो आ गया है। जब दो आ गया है तो हम लोग फिर से देखेंगे। पच्चीस है ना, तो पच्चीस के बाद कितना होगा? छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस। तो देखिए यहाँ पे
सताइस पे कौन ए, अट्ठाईस पे कौन बी, तो देखिए यहाँ पे पच्चीस, पच्चीस यहाँ पे आपका है कितना तरह का, एक दो तीन, तीसरा कहाँ कहाँ पे आपका ये, इस तरह भी बताए थे आप लोगों की आगे भी इकतीस तक भी ले जा सकता आपका ए पैटर्न बन आपका बनाना हम लोगों किसका सक्सेस का बन जाएगा सक्सेस कितना उन्नीस और तीन उन्नीस और तीन कितना बाईस, बाईस पे कौन भी इक्कीस, इक्कीस तीन चौबीस, एक तीन तीन को तीन छ, छ पे एफ, एफ पाँच तीन आठ, आठ पे एच, उन्नीस तीन बाईस भी और भी ये मेरा आंसर हो गया आपका। थोड़ा थोड़ा कभी कभी घुमा भी देता ठीक ना। बस अब इसको एक तक अगर बना लीजिएगा बन जाएगा, इसमें का सब नहीं बनेगा कोई पूछिएगा फिर। सपमा में क्या बोल रहा आपका रिपीट को आर ई ए सॉरी आर ई पी ई ए टी को एस डी क्यू डी बी एस लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान दिया पे कितना है आपका एटी फाइव 16, 5, 1, 20, 19, 4, 17, 4, 2, कितना 19, तो देखिए यहाँ पे 18, 1, 19 और आप प्लस बना इसमें और आपका इसमें देखिए ऊपर में ज़्यादा नीचे में क्या आपका कम, तो नीचे से हम लोग ऊपर ले जाएंगे इसमें क्या और आपका माइनस वन, इसमें देखिए हम ऊपर से नीचे और आपका प्लस वन, ऊपर से नीचे ऊपर ज़्यादा है मेरा नीचे कम है आपका, क्या करेगा हम इसमें प्लस वन ठीक है आपका नीचे में प्लस वन। अब इसी पेटर हम इसको बैठाते हैं इसको सॉर्स को एस ओ यू आर सी ई को, तो एक बार प्लस करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी का टी ट्वेंटी वो का कितना, इसे एक बार माइनस होगा आपका कितना आपका एन यहाँ पे कितना प्लस वन भी माइनस अठारह में से एक कितना रहेगा क्यू एक बार प्लस डी माइनस डी ये मेरा आंसर हो गया, मिला लीजिएगा सर आपको। एक बार शुरू में प्लस उसके बाद माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस माइनस है आपका।